हेलो एवरीवन हाउ आर यू ऑल वेलकम टू इकोसो इन टूडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न शॉर्ट टर्न इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। इन द शॉर्ट रन जनरली फर्म्स कॉस्ट आर डिवाइडेड बिटवीन फिक्स एंड वेरिएबल मतलब किसी भी फर्म की शॉर्ट टर्म में जो कॉस्ट होती है वो दो तरह की होती है एक है फिक्स कॉस्ट एंड सेकेंड है वेरिएबल कॉस्ट जैसे कि कोई भी फर्म जब आउटपुट प्रोड्यूस करती है शॉर्ट रन में तो फैक्ट्री बिल्डिंग है मशीनरी है वो इमिजिएटली चेंज नहीं हो सकती उसके लिए कुछ टाइम पीरियड रिक्वायर्ड है तो फर्म ये मशीनरी या फिर फैक्ट्री बिल्डिंग या अदर टाइप के जो फिक्स फैक्टर्स हैं उनके ऊपर जो कॉस्ट इनकर करती है उसे हम लोग बोलते हैं फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेकेंड इज़ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच चेंजेस विद द चेंजिंग लेवल ऑफ आउटपुट मतलब फर्म का आउटपुट जैसे इंक्रीज होगा वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगी फर्म का आउटपुट अगर डिक्रीज होता है तो वेरिएबल कॉस्ट भी डिक्रीज होगी जैसे कि फर्म का आउटपुट अगर इंक्रीज करना है तो ज़्यादा लेबर ज़्यादा रॉ मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा जिसकी वजह से कॉस्ट इंक्रीज़ होगा तो इसे हम लोग बोलेंगे वेरिएबल कॉस्ट कॉस्ट जो कि आउटपुट के साथ इंक्रीज होती है तो इसकी वजह से शॉर्ट टर्म में हम लोग देखते हैं, जो कॉस्ट कर्स है वो हमेशा अलग रहते हैं शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट कर शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर ये अलग अलग रहते हैं यहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ें अज्यूम करते हैं जैसे कि मार्केट इक्विलिब्रियम से जो प्राइस डिटरमाइन होती है वो परफेक्ट कंपटीशन में सारी फर्म्स एक्सेप्ट करती है बिकॉज फर्म्स आर प्राइस टेकर ईयर देन फर्म का कैपेसिटी लिमिटेड है बिकॉज शॉर्ट रन है शॉर्ट रन में फर्म कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकती ज़्यादा फिक्स फैक्टर एम्प्लॉय नहीं कर सकती तो फर्म का कैपेसिटी भी लिमिटेड होता है देर आर टू कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म अंडर परफेक्ट कम्पिटिशन इन द शॉर्ट रन द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज एम आर इज इक्वल्स टू एम सी एंड सेकेंड कंडीशन इज एम सी इज इनक्रीजिंग एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम अब से आगे आप जहां कहा स्टडी करते हो तो वहां पर ये दोनों कंडीशन हमें याद रखनी है नव यू विल स्टडी थ्री कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन फर्स्ट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज and excess profit second normal profit and third loss we will start with a diagram on x-axis we show output instead of output you can also write down quantity here yeah, you have output liquidifier yeah, quantity liquid doesn't matter वाई एक्सिस विशो प्राइस रेवेन्यू एंड कॉस्ट सिंस दिस इज अ परफेक्ट कंपिटिशन एंड हम लोग फॉर्म का इक्विलिप जो हम देख रहे हैं तो यहां पर जो डिमांड कर है वो हॉरिजोटल आएगा विच इज पैरल टू द एक्स एक्सिस हियर पीड इज द डिमांड कर इसी को हम लोग बोलते हैं ए आर और एम आर कर ऑफ द फर्म बिकॉज परफेक्ट कम्पिटिशन में फर्म्स जो भी प्राइस मार्केट में डिटरमाइन होती है वो एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं इसकी वजह से यहाँ पे डिमांड कर का स्लोप कैसे हॉरिजोनटल है जो डिमांड कर वे वही ए आर कर वे बिकॉज एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल्स टू द प्राइज ऑफ द प्रोडक्ट अगेन परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ए आर इज ऑलवेज इक्वल्स टू एम आर So, we can mention it here only. MR is equal to AR is equals to price. Equilibrium condition MC cuts MR from below. This is our short run marginal cost curve which has intersected demand curve at point E. So, here E is the equilibrium point. तो पॉइंट से अगर हम लोग स्ट्रेट देखते हैं वाई एक्सिस पे तो प्राइस ऑलरेडी वी नो इट इज अ ओ पी टू डिटरमाइन द आउटपुट हम लोग क्या करेंगे ई पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है टूवर्ड्स एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस पे यहाँ पे लेवल ऑफ आउटपुट निश्चित हुआ है ओ क्यू तो ओ क्यू इज द इक्विलिब्रियम आउटपुट एंड ओ पी इज द इक्विलिब्रियम प्राइज ऑफ ए फर्म किसी भी फॉर्म का अगर हम लोग को प्रॉफिट डिटरमाइन करना है तो उसके लिए एवरेज कॉस्ट पता होना बहुत जरूरी है सो नाउ वी विल ड्रॉ एवरेज कॉस्ट कर्व यहाँ पे एक चीज याद रखो जब भी फॉर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है तो ए सी है वो हम लोग को इक्विलिब्रियम पॉइंट या फिर डिमांड कर से नीचे ड्रॉ करना है वी हैव शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व यहाँ पे देखो आपको दो पॉइंट मिले यहाँ पे एम सी ने कट किया है यहाँ पे जो लाइन हम लोग ने आउटपुट के लिए ड्रॉ किए उसको कट किया है तो ये पॉइंट हमें कंसिडर करना है वेयर दिस लाइन ई क्यू हैज़ कट द एस तो ये पॉइंट से हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे टूवर्ड्स वाई एक्सिस सो हियर वी गॉट कॉस्ट ओ ए ए सी कर से हम लोग ने लाइन ड्रॉ किया है इसकी वजह से ये हम लोग को एवरेज कॉस्ट शो कर रहा है ओ ए तो अभी हम लोग देखते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट फॉर्म को कहां पे मिल रहा है फॉर्मूला फॉर प्रॉफिट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टी आर माइनस टी सी देन टी आर इज इक्वल्स टू प्राइज इन टू क्वांटिटी हेयर इन दिस डायग्राम प्राइस क्या है ओ पी एंड क्वांटिटी है ओ क्यू तो ये हमें अभी फॉर्मूला में मेंशन करना है प्राइस ओ पी इंटू क्वांटिटी ओ क्यू इस डायग्राम में अगर हम लोग ओ पी इंटू ओ ओ क्यू करते हैं तो हमें मिलेगा ये पूरा स्क्वायर ओ पी ई क्यू तो ये पूरा जो स्क्वायर है वो है टोटल रेवेन्यू ऑफ द फॉर्म चलो यहाँ पे मेंशन करते हैं ओ पी ई क्यू सेकेंडली वी हैव टू फाइंड आउट टोटल कॉस्ट टी सी इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट इन टू क्वांटिटी इस डायग्राम में एवरेज कॉस्ट है ओ ए क्वांटिटी ऑफ कोर्स ओ क्यू तो ओ ए इंटू ओ ओ क्यू देखो ओ ए को हम लोग ने ओ क्यू से मल्टीप्लाई किया तो हम लोग को ये रेक्टेंगल का एरिया मिलता है ओ ए यहाँ पे हम लोग नाम देते हैं एस क्यू ओ एस क्यू तो ये क्या हुआ टी सी हुआ हम लोग का ओ ए एस क्यू नाउ वी विल पुट दिस वैल्यूज़ इन द फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट एज वी नो प्रॉफिट इज इक्वल टू टी आर माइनस टी सी दैट इज ओ पी ई क्यू माइनस ओ ए एस क्यू तो देखो अभी ये बड़े वाले रेक्टेंगल से या फिर स्क्वायर से अगर हम लोग ये छोटा वाला माइनस करते हैं ओके मीन्स ओ पी ई क्यू से अगर हम लोग ओ ए एस क्यू माइनस करते हैं इतना सारा पोर्शन तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन है यहां पे दिस इज वॉट द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ ए फर्म ए पी ई एस सो विल मेंशन हियर ए पी ई एस नाउ वी विल सी सेकेंड कंडीशन क्विलिब्रियम दैट इज नॉर्मलिट इस डायग्राम में भी हम लोग का इक्विलिब्रियम कंडीशन तक का जो पार्ट है वो सेम रहेगा जैसे कि पी डी डिमांड कर ए आर इज इक्वल टू एम आर देन एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो ओके तो इक्विलिब्रियम पॉइंट है यहाँ पे हम लोग का एट पॉइंट ई लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ ए फर्म इज ओ क्यू इक्विलिब्रियम आउटपुट इज ओ क्यू एंड इक्विलिब्रियम प्राइज ऑफ ए फर्म इज ओ पी यहाँ पर फर्म नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है तो जब भी फर्म नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है तो फर्म का जो एवरेज कॉस्ट कर्व है उसका मिनिमम पॉइंट ई पॉइंट पर आएगा आई रिपीट जब भी फर्म नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है तो फर्म का एवरेज कॉस्ट कर का जो मिनिमम पॉइंट है वो हमेशा ई पॉइंट पे आएगा सो so, हम लोग इस तरह से भी ये ड्रॉ कर सकते ताकि मिस्टेक्स ना हो। ओके okay? तो यहाँ पे देखो अभी फर्म का जो प्राइस है ओ पी वही पॉइंट पे फर्म का कॉस्ट भी क्या है ओ पी मीन्स प्राइज इज इक्वल टू कॉस्ट अब हम लोग टी आर एंड टी सी की फॉर्मुला में वैल्यू पुट करते हैं टी आर प्राइज इज इक्वल टू क्वांटिटी दैट इज अगेन ओपी इन टू ओ क्यू सेम आएगा ओ पीई क्यू यू कैन राइट डाउन ओपीई क्यू नाउ टीसी इज इक्वल टू ए सी इन टू क्यू एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइज हिर तो यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे ओपी इन टू क्वांटिटी सेम ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी ई क्यू इट मीन्स नॉर्मल प्रॉफिट के डायग्राम में वी कैन सी दैट फर्म्स टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट तो ये कंडीशन में फर्म को प्रॉफिट कहाँ मिल रहा है दैट इज द क्वेश्चन तो जब भी फॉर्म को नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है तो हमेशा याद रखना है जो हम लोग को टोटल कॉस्ट दिया है वट इज द टोटल कॉस्ट मीन्स रेमेनरेशन गिवन टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से लैंड लेबर कैपिटल एंड आंतरप्रनार इनका रेमेनरेशन क्या है लैंड के लिए रेंट लेबर के लिए वेजेस कैपिटल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड आंतरप्रनार के लिए प्रॉफिट तो ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूड रहता है एंड देर डिस्पाइट टी आर इज इक्वल टू टी सी वी से फर्म हियर अर्नस अ नॉर्मल प्रॉफिट नाउ वी विल सी थर्ड कंडीशन वेर फर्म इनकर्स अ लॉस इन द शॉर्ट रन यहाँ पे भी हम लोग का स्टार्टिंग का जो डायग्राम है वो सेम रहेगा टिल द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड लेवल ऑफ आउटपुट ई इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट ओक्यू इज द इक्विलिब्रियम आउटपुट एंड ओपी इज द इक्विलिब्रियम प्राइस यहाँ पे देखो फर्म लॉस इनकर कर रही है तो जब भी फर्म लॉस इनकर करती है तो एवरेज कॉस्ट कर्व हमेशा इक्विलिब्रियम पॉइंट से या फिर जो तो डिमांड करे उससे थोड़ा डिस्टेंस छोड़ के उसके ऊपर ही ड्रॉ करना है यहां पे हम लोग क्या करेंगे दिस एक लाइन हियर वी विल एक्सटेंड दिस एक लाइन टू ए सी गेट पॉइंट आर From point R we draw a straight line towards Y axis where we get cost A. So here we can clearly see that cost is more than the price. Cost ज़्यादा hai, price kam hai. Iska matlab firm loss incur kar rahi है in the short run. यहाँ पे हम लोग ने तो profit का formula लिखा था. Profit is equals to TR minus TC. तो loss तो का आएगा. Loss is equals to टी सी माइनस टी आर क्योंकि यहाँ पे फॉर्म के कॉस्ट ज्यादा है एंड रेवेन्यू कम है अगेन पुट वैल्यूज़ इन द फॉर्मूला टी सी इज इक्वल टू ए सी इन टू क्वान्टिटी एवरेज कॉस्ट इज ओ ए आउटपुट इज ओ क्यू ओ ए इंटू ओ ओ क्यू इज टू ओ ए आर क्यू राइट इट हर स्क्वेर ओ ए आर क्यू सेकेंड इज टी आर टी आर इज इक्वल्स टू प्राइज इन टू क्वांटिटी प्राइज ओ पी लेवल ऑफ आउटपुट इज ओ क्यू इज इक्वल्स टू आएगा ओ पी ई क्यू पुट वैल्यूज इन द फॉर्मुला स्क्र ओ ए आर क्यू माइनस स्क्वायर ओ पी ई क्यू इज इक्वल्स टू अगेन ये पूरे बड़े रेक्टेंगल से हम लोग के छोटा स्क्वायर माइनस करना है ओ ए आर क्यू से ओ पी ई क्यू माइनस किया तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन है दिस इज वॉट द लॉस ऑफ ए फर्म जो कि है पी ए आर ई सो राइट इट हीयर पी ए आर ई इज द शॉर्ट टर्न लॉस इनकर्ड बाय द फर्म अंडर परफेक्ट कम्पिटिशन आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझा होगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इकोसो थैंक यू